हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज शुभम फ्रॉम शुभम कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, वो भी फोटोग्राफी स्टूडियो के लिए। कम समय में स्टेप बाय स्टेप आपको डिज़ाइन करना बताएंगे, जिन्हें आप सीख सकते हैं। यदि आपको इसका CDR फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपने यूज में ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको इजी तरह से डिज़ाइन करना बताते हैं। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें साइज कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड का एक साइज ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम जाएंगे और साइज लेने के लिए क्लिक कर देते हैं 3.5 एंड टैब करते हुए नीचे आएंगे 2.2 कर देते हैं। यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं साइज आ गया है। बहुत बार ये साइज आपके चेंज भी हो सकते हैं, बहुत बार ये 3.4 एंड 2.05 भी होता है। तो इस तरह से कई आपके साइज होते हैं। स्टैंडर्ड साइज में हम इसको ले लेते हैं, जो एक साथ बहुत सारे ये प्रिंट करने के भी काम में आता है। हमारे पास ये मैटर अवेलेबल है, इन्हीं मैटर से आज के डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे। इसे हम छोटा कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से साइज ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे इसमें, तो यहाँ से हम ब्लैक कलर लगा देते हैं। तो आप इस ब्लैक कलर में अंतर ये पाएंगे कि जब ये प्रिंट होगा तो डल निकलेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें कलर को मिक्स कर देंगे, जिससे ये सॉलिड ब्लैक हो जाएगा। तो उसके लिए प्रेस करना होगा आपको Shift F11। तो जैसे ही आप यहाँ प्रेस करते हैं Shift F11, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है यूनिफॉर्म फिल का डायलॉग बॉक्स। यहाँ से करने के बाद आपको जाना होगा मॉडल्स में। जैसे ही मॉडल्स आएंगे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं 50 करते हुए और लास्ट आपका रहेगा 100। फिर यहाँ से करना होगा आपको ओके। तो ये आपका सॉलिड ब्लैक हो जाएगा, जिससे ये जो प्रिंट होगा तो बहुत ही खूबसूरत आपका प्रिंट आएगा। तो मैं आपको केवल डिज़ाइन ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि साथ साथ आपको कैसे प्रिंट करना है, कैसे इसमें कलर कॉम्बिनेशन रहता है, ये तमाम चीज़ें आपको वीडियो में सिखाता हूँ। तो आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, उनमें बहुत सारा चीज़ मैंने बताया है, बहुत सारा डीपली और बेसिक चीज़ों को बताया है, आप आसानी से उन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये हो जाने के बाद यहाँ से हम लेंगे लेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं और लेंस को आप बड़ा कर दें इस तरह से। यहाँ पर लेते हैं रेक्टेंगल टूल और उसके द्वारा एक शेप को करते हैं ड्रॉ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें हम कलर फिल किए। इसके आउटलाइन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटलाइन दिखाई दे रहा है। आउटलाइन को हटाने के लिए यहाँ पे जो आप कट मार्क देख रहे हैं, इस पर आपको राइट क्लिक करना होता है। तो जैसे ही करते हैं ये इसके आउटलाइन को रिमूव कर देता है। कैमरा को पकड़ें और कंट्रोल होम से ऊपर की ओर कर देते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे एक बार और इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर इस तरह से लेकर आ जाते हैं। आप इसके एंगल को और भी मोटा पतला जो भी जैसे भी आप करना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसे हम करेंगे पावर क्लिप। तो पावर क्लिप करने के लिए इसे सेलेक्ट करना होगा, आपको जाना होगा इफेक्ट मेन्यू, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर एंड यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। तो ये पावर क्लिप के अंदर चला गया है। यहाँ से कैमरे के लेंस को और बड़ा कर लेंगे और आधे कैमरे को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो कट करने के लिए हमने बताया आपको जाना होगा इफेक्ट मेन्यू, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर एंड यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन जो रहेगा सेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इन सब मैटर को ले लेंगे, तो जो कंपनी के नेम रहेंगे हम यहाँ से ले सकते हैं और इसे बोल्ड कर दें। अब इनके स्टाइल को यदि चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई खूबसूरत फॉन्ट लगा देता हूँ, तो हम यहाँ से लगा देते हैं रेनफ्री फॉन्ट और इसे हम रोटेट कर दें इस तरह और फिर इसमें हम करते हैं सेट। इसे आप बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से, ये सेट कर लेंगे और फिर इसे हम इसी प्रकार से एंगल में रोटेट कर देंगे। एक बार आप क्लिक करेंगे रोटेशन सिंबल आ जाएगा और इसे रोटेट करते हुए आप करेंगे सेट। यहाँ से हम मैटर को सेट करेंगे, यहाँ से जो नाम रहेगा प्रोप्राइटर का हम यहाँ से प्रोप्राइटर का नेम लिख देते हैं और वाइट कलर फिल कर देंगे। या यदि आप एक ही कलर का बनाना चाहते हैं और बहुत सारे कलर को चेंज नहीं करना चाहते हैं,
तो आप एक कलर थीम से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे और इन सब मैटर को भी सेट करेंगे। यहाँ से हम 10 पॉइंट का मैटर लगा देते हैं, वाइट कलर या जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करेंगे तो हम यहाँ से लगा देते हैं यूनिवर्स। कंट्रोल आर से इसे राइट अलाइनमेंट करेंगे। अब यदि हम चाहें सिंबल लगाना तो नेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कोशिश करेंगे इस तरह से, इसमें कलर फिल करते इसके आउटलाइन को हटा देते हैं। इसी प्रकार से आप चार ड्रॉ कर लेंगे डॉट और इन्हें सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पे इसे नीचे की ओर कर देंगे। एक साथ सेंटर मिलाने के लिए सेलेक्ट करते प्रेस करते हैं शिफ्ट सी और शिफ्ट ई, तो मैटर ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, साइड में लाएंगे और छोड़ने से पहले करते हैं राइट क्लिक। कॉपी हो गया है। अब जैसे एड्रेस के लिए हम ए का वर्ड यूज कर सकते हैं, मोबाइल के लिए एम का। टेक्स्ट सबसे पहले आप सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट के द्वारा बॉक्स को, फिर सी और ई प्रेस कर देंगे। इस तरह से ये मैटर आपके सेंटर में सेट हो जाएंगे। अब आपको दोस्तों जूम करके दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से स्टूडियो के लिए एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन तैयार किया गया। अब मैं इसमें एक दो कलर और चेंज करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको और भी खूबसूरत लगे और भी आसानी से समझ में आ जाए। इसे सेलेक्ट करते हैं, साइड में लाते और छोड़ने से पहले करेंगे राइट क्लिक। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग अलग हो गए हैं कलर। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देते हैं शिफ्ट F11। इस तरह से ये जैसे पहले बार आया था यूनिफॉर्म फिल, इस प्रकार से इसमें भी आ जाएगा। ऊपर करेंगे 0, नीचे 100 एंड यहाँ पे करते हैं लास्ट में 50। तो इस तरह के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल और माउस क्लिक के द्वारा पावर क्लिप के अंदर चले जाएंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। कंट्रोल और माउस क्लिक के द्वारा बाहर आ जाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। इनमें कलर को चेंज करते हुए भी डिज़ाइन को कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों ये कितना आसान है इस तरह के विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस आपको सीखने को मिला। यदि आप कुछ और नई चीज़ें सीखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जाते जाते ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा, राइट वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या लेफ्ट वाला। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लासेस में आपको सीखने को मिला। आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करें और इससे भी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन आप बनाने पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और भी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।